हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्जाम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलते हैं, देखते हैं आज मंत्रिपरिषद की बैठक जो है 13 अक्टूबर 2022 को हुई, उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है और कुछ वैकेंसी के बारे में देखते हैं। पटना में दिनांक 13 अक्टूबर 2022 को गुरुवार को अपराह्न 5 बजे हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की, निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। निर्णय को हम मुख्य फोकस वैकेंसी पर ही करेंगे। चलते हैं को, जिसमें कि पहला वैकेंसी है राज्य के प्रोफेशनल कार्यालय के सुदृढ़ बनाने एवं कार्यों के समय निष्पादन हेतु 137 रिक्तियां लिपिक के पदों की स्वीकृति के संबंध में। चलते हैं दूसरा वैकेंसी के बारे में देखते हैं। दूसरा वैकेंसी है और मेन वैकेंसी यही, इसी को मेरा दिखाने का उद्देश्य था वीडियो बनाने का। ये वैकेंसी उत्पाद बिहार दरोगा की है, ठीक है, उत्पाद बिहार दरोगा की है। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग मद निषेध नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार मद निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के कुल 905 पद अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि ESI की लास्ट वैकेंसी जो आई थी 2018 में, उसमें मात्र 126 पोस्ट थी। 2018 से बहुत ज़्यादा वैकेंसी अब की बार आई है। दोस्तों, अब की बार इसको जो है ना जाने नहीं दीजिएगा। दोस्तों, ऐसा तैयारी कीजिए जो कि इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये जो है इसकी ऑनलाइन जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह एवं नवंबर की पहली सप्ताह में होने की संभावना है। जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आप लोग को सब पता चल जाएगा। अभी तो बिहार सरकार की स्वीकृति मिल गई है तो अब तो निकलना ही है। और मेन जो दरोगा का वैकेंसी है वो अब जनवरी के बाद ही आएगा, बहुत इंतज़ार था। तो ये मद निषेध पे अब लग जाइए, जो कि इसका इसके तैयारी करने के बाद वो वैकेंसी आपको ज़रूर ही अच्छे मतलब रेस में आ जाएंगे, तो उसके बाद तो सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।